छतरपुर के ग्राम पटिया में कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप की हत्या के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के साथ विधायक आलोक चतुर्वेदी उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने इंद्र प्रताप के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, अपराधी अपराध कर रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कि जितने भी अपराधी हैं इन पर सख्त कार्रवाई हो और नहीं होगी तो मुझे और भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये दोनों परिवार मेरे परिवार हैं। एसपी साहब से हमने कहा है, कलेक्टर साहब से हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं मुझसे बात करने के लिए। शिवराज सिंह जी बहुत बड़ी बैठक में काम बात कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं जनता में। यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उनको चिंता नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि कल रात से मेरे डैडी गिरीश ने डेथ की है, उनके घर पे सिक्योरिटी है, पूरी गार्ड बैठी हुई है। मेरे घर पे कल से कोई पुलिस कुछ भी नहीं आया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो हम लोग बहुत सख्त कदम उठाएंगे, और उसमें अगर प्रशासन कुछ करती है तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। और बल्कि आज 144 धारा लगा दी गई है छतरपुर, इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है।